हिटलर ने तानाशाही की आत्महत्या कर ली, इसके तो उससे भी बुरे दिन आएंगे, ये खुद अपने आप को मार लेगा। एक नंबर का मक्कार और झूठा आदमी है नरेंद्र दामोदर मोदी। एक डेट डिक्लेयर कीजिए और एक चौराहे डिक्लेयर कीजिए, आ जाइए उस चौराहे पे, फांसी भी खुद लगा के मर जाइए, कोई जुटने से देश के गद्दारों के साथ। भाई साहब, नरेंद्र मोदी का नाम ही है बदलू मोदी, वो खुद बदल गया देश के लोगों को वादा करके, देश के लोगों को बता के सच्चाई। ओपन चैलेंज है, नाम लिख के रखना रोहित कुमार प्रजापति, अगर मोदी में दम है और भाजपा में तो वैलेट पेपर लाके दिखाएं। भाई साहब 400 का सपना देखने वाले ना, चार पे आ जाएंगे, चार पे लिख के देते। देश का जो जन्म है ना वो 2014 में हुआ, इस देश का जो 70 साल का बुजुर्ग है ना उसकी उम्र 9 साल है, उसकी 9 साल उम्र है क्योंकि पैदा ही 2014 में। अब भाई साहब 2014 के पहले हम सब नंगे घूमते थे, कपड़े हमको मालूम नहीं थे, पढ़ाई लिखाई मालूम नहीं थी। साहब कितना बेवकूफ होगा नरेंद्र मोदी कि 70 साल में जिस देश में सुनी बनती थी, आज उस देश की बनाई हुई कांग्रेस की सरकार की देन में फ्लैट में बैठता है और सर कांग्रेस का बनाया रोड पे चलता है, कांग्रेस के बनाए हुए एसी रूम में बैठता है, और हर चीज तो कांग्रेस में, और फिर बोलता 70 साल में। भाई साहब उनको कहो जरा नशा और गांजा कम फूके, दुनिया में डंका बज रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी सबसे बेवकूफ आदमी, अंग्रेजों को देश लूटने की जरूरत नहीं पड़ी, मोदी नाम का एजेंट भेज दिया है, देश को लूट रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब अडानी अंबानी नाम के लोग आ गए, ये लोग देश को लूट रहे। भाई साहब इनकी जो मानसिकता ना आरएसएस की, जब देश स्वतंत्र हो रहा था ना तो भगत सिंह जैसे लोगों ने कम उम्र में अपनी जान की बलिदान दे दिया, ये लोग पिछवाड़े से गोलियां मार रहे थे। मेरा बेटा गोरा गोरा, दुनिया का बेटा काला काला, वो हिसाब है। आप हाथ तो लगा के दिखाए संविधान को, हाथ तो लगा के दिखाए। देश के किसान, युवा, बेरोजगार अभी तक सोए नहीं है हम लोग, खाली मोदी के चंद गद्दार दलाल सोए देश के। सबका विकास सुन सुन के ना, वो ना विकास पैदा हुआ है ना विकास की सिस्टर पैदा हुई है, सिर्फ लोगों की क्या हुआ है, पैदा हुआ है तो भ्रम पैदा हो गया है। डर नहीं रहेगा, अब तो बिना झोले के, बिना चप्पल के भागेंगे मोदी जी, और इतनी दूर भागेंगे ना कि उसके बाद उस पता नहीं चलेगा कहाँ गए, कौन है वो मोदी कौन है। मोदी मीडिया से पैदा किया हुआ एक बच्चा है, सिर्फ एक बावली है, असल में आरएसएस सरकार चला रही है। जी मैं डंका पीटते हैं कि मेरा देश विश्वगुरु हो गया, आज मोदी जी खुद को विश्वगुरु मानते ना, विश्वगुरु का मतलब होता है कि मेरा भारत देश सबसे अमीर हो गया है। अगर मेरा भारत देश अमीर है तो आप मुफ्त में क्यों अनाज बांट रहे हो, मतलब आपने देश के लोगों को गरीब कर दिया है। और एक बात बता देता हूँ, इस देश का किसान, युवा और महिलाएं जब तक तरक्की नहीं करेगी ना, ये देश कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकता है। और एक बात बताऊं, मेरा ओपन चैलेंज है, नाम लिख के रखना रोहित कुमार प्रजापति, अगर मोदी में दम है और भाजपा में तो वैलेट पेपर लाके दिखाएं। भाई साहब 400 का सपना देखने वाले ना, चार पे आ जाएंगे, चार पे लिख के देते। आज आप ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए, आज सबसे ज्यादा बेरोजगार है युवा, आज जब बच्चा केजी में एडमिशन लेता है ना, आज लाखों फीस भरनी पड़ती है, बच्चा 10वीं पास करता है, जो माँ बाप होते हैं उनकी लाखों की कमाई टूट जाती है, बच्चा बड़ा होकर सपना देखता है कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है। अरे भाई साहब आपने केजी से 10वीं तक तो सारा खत्म कर दिया है, हाँ पढ़ाई पहले भी होती थी, आज महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहे हैं, आज भाजपा में सबसे ज्यादा बलात्कारी लोग पड़े हुए हैं। आपने बैनर देखा होगा, नारी न्याय हक परिषद, नारी न्याय हक परिषद, आज हमको न्याय हक मांगने जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि इतना अत्याचार कर दिया है, आज मीडिया ने हमारी आवाज को दबा दिया है। कहते कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, वो कह रहे जो अत्याचार होना था 70 साल में हुआ, 10 साल में सब बढ़िया। भाई साहब मैं ये बता दूं, इस देश का जो जन्म है ना वो 2014 में हुआ, इस देश का जो 70 साल का बुजुर्ग है ना उसकी उम्र 9 साल है, उसकी 9 साल उम्र है क्योंकि पैदा ही 2014 में। अब भाई साहब 2014 के पहले तो हम सब नंगे घूमते थे, कपड़े हमको मालूम नहीं थे, पढ़ाई लिखाई मालूम नहीं थी, तो कहते कुछ नहीं था सब 14 के बाद। अरे भाई साहब कितना बेवकूफ होगा नरेंद्र मोदी कि 70 साल में जिस देश में सुनी बनती थी, आज उस देश की बनाई हुई कांग्रेस की सरकार की देन में फ्लैट में बैठता है और सर कांग्रेस का बनाया रोड पे चलता है, कांग्रेस के बनाए हुए एसी रूम में बैठता है, और हर चीज तो कांग्रेस में, और फिर बोलता 70 साल में। भाई साहब उनको कहो जरा नशा और गांजा कम फूके, मोदी जी पूरी भाजपा, और घमंड में जो चल रही है ना भाजपा, एक बात बताएं, घमंड तो रावण का भी नहीं चला है, इनका क्या चलेगा, एक अकेला सब पे भारी है, उसके सामने कोई नहीं। एक बात कह दूं एक अकेला भारी है। अरे भाई साहब अकेले तो दिखता है, जनता को बोलने देता नहीं, उसके खुद भाजपाइयों को बोलने देता नहीं, हमारे किसी विरोधियों को बोलने देता नहीं, वो एक अकेला। अच्छा एक अकेला है ना, एक अकेला भारी है ना, भारी तो तब होगा जब मेरा देश भारी होगा। अरे मेरा देश को खोखला कर दिया, भारी हो गया, डंका दुनिया में बज रहा है।
भाई साहब दुनिया में डंका बज रहा है, क्यों? क्योंकि मोदी जी सबसे बेवकूफ आदमी, अंग्रेजों को देश लूटने की जरूरत नहीं पड़ी, मोदी नाम का एजेंट भेज दिया है, देश को लूट रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब अडानी अंबानी नाम के लोग आ गए, ये लोग देश को लूट रहे। भाई साहब इनकी जो मानसिकता ना आरएसएस की, जब देश स्वतंत्र हो रहा था ना तो भगत सिंह जैसे लोगों ने कम उम्र में अपनी जान की बलिदान दे दिया, ये लोग पिछवाड़ी से गोलियां मार रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। जैसे तैसे इस देश के किसानों ने, इस देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, नागरिकों ने और हमारे जो बुजुर्ग लोग, उन लोगों ने देश को स्वतंत्र करवाया। इनकी आंखों में ना धूल झुक गई है, कीड़े चुभ रहे हैं। आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद किया, देश में एक तरीके से एक परिवार का ही सब कुछ हो गया। मोदी गरीब आदमी था, वो ईमानदार है, वो चाय बेचता था, आज प्रधानमंत्री बन गया तो देखा नहीं जा रहा। भाई साहब शोले पिक्चर देखिए, गब्बर सिंह डाको, उसके पीछे कोई नहीं, फिर क्यों लूट रहा था देश को, क्यों लूट रहा था? और रहा सवाल परिवारवाद का, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह के सुपुत्र जिनको इंग्लिश भी ठीक से बोलने नहीं आती है, बात तो बड़बड़ी करते हैं, जैसा ने कौन सा बैट पकड़ा, कौन सी बॉल पकड़ी, भाई साहब उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, क्या देश के युवा कम थे, देश के खिलाड़ी कम थे? अरे जिसको एबीसीडी मालूम नहीं है, परिवार बात तो तुमने मचा के रखा है, तुमने मचा के रखा है। आज भाजपाओं की लिस्ट निकालिए, बताइए कौन सा खासदार, अरे भाई साहब कितने खासदार तो नाराज है क्योंकि उनके सुपुत्रों को टिकट नहीं मिल रहा है, उनकी बच्चियों को टिकट नहीं मिल रहा है, सब अच्छा है, दूसरे का सब बुरा। अरे भाई साहब मेरा बेटा गोरा गोरा, दुनिया का बेटा काला काला, वो हिसाब है, हम करें तो चोरी और वो करें तो भाई साहब हमारे बच्चों को सब सही चल रही है क्या? तानाशाही, भाई साहब तानाशाही का भी लिमिट होता है। हिटलर ने तानाशाही की आत्महत्या कर ली, इसके तो उससे भी बुरे दिन आएंगे, ये खुद अपने आप को मार लेगा। क्या होगा मोदी का? मोदी का कुछ नहीं होगा, इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि मोदी जैसा तानाशाही व्यक्ति ने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या होगा, तब तक हमारे देश का किसान, बेरोजगार सब खत्म हो जाएगा। टीवी पर दिखाते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, दिन भर मोदी मोदी। साहब मोदी के दलालों ने, मोदी के दलाल हैं सब मीडिया, मैं आपको साफ बोलता हूँ। अगर आज प्रिंट मीडिया ने, अगर देखिए एक बात बताता हूँ, जो प्रिंट मीडिया उनको क्या भगवान ने ऊपर से पैदा कर दिया है, वो भी तो इसी मट्टी से पैदा हुए ना, शायद उनको देश का किसान दिखता नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार आएगी, इन प्रिंट मीडियाओं से मतलब भी नहीं रहेगा, उसको तो देश के नागरिकों का भला की बात की, किसानों की आय दोगुनी करने आए थे। भाई साहब 2022 में कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, अरे भाई साहब 2022 नहीं 2024 आ गया, लगता है मोदी जी शायद सोच रहे कि हम 1902 में है। जुमलेबाज है क्या देश का? जुमलेबाज, अरे भाई साहब जुमला तो फिर भी ठीक है, जुमला तो हो भी जाता है, एक नंबर का मक्कार और झूठा आदमी है नरेंद्र दामोदर मोदी, दुनिया का नंबर वन ईमानदार है ना, दुनिया का नंबर वन ईमानदार इंसान है किसान राहुल गांधी, क्योंकि वो दूसरों की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई साहब खुद झूठा आदमी है, संघर्ष कर रहे हैं यार 18 घंटा। हाँ मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं ना, 18 घंटा काम कर रहे हैं ना, अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए और देश के किसानों को बेरोजगार कर रहे हैं। 15 लाख 15 पैसा मिल जाए तो भी चलता, मैं कह रहा हूँ ना, अगर हमको 15 लाख की भी जरूरत नहीं है आज, अगर मोदी जी बोलते हम विश्वगुरु हो गए ना, हम विश्वगुरु हो गए ना, तो करिए, दिखा रहे हैं विश्वगुरु, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे भाई साहब ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम जब किसी स्कूल में जाते हैं ना तो हमको एक ही प्रकार का ड्रेस पहनाया जाता है, क्यों? जाति पाति ऊंच नीच कोई दिखाई नहीं दे, मोदी जी खुद ही जाति पात कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता बोल रहे हैं 400 सीटें आएंगी, संविधान बदल देंगे। भाई साहब 400 सीट तो तब आएगी ना जब उनके हिसाब से चलेंगे, है ना, और बात है कि संविधान बदलने की, तो भाई साहब ये उनकी मानसिकता झलक रही है, वो जो बंद दरवाजे में चल रहे थे ना, आज देश को सच्चाई पता चल गई है, बदलने देंगे संविधान। भाई साहब हाथ तो लगा के दिखाए संविधान को, हाथ तो लगा के दिखाए, देश के किसान युवा बेरोजगार अभी तक सोए नहीं है हम लोग, खाली मोदी के चंद गद्दार दलाल सोए हैं देश के, जो मोदी चेहरे वो सही है। बदल तो रहे हैं, सारे नाम बदलते जा रहे हैं, कभी रोडों के नाम, कभी घरों के नाम, कभी आदमियों के नाम। भाई साहब नरेंद्र मोदी का नाम ही है बदलू मोदी, वो खुद बदल गया देश के लोगों को वादा करके, देश के लोगों को बता के सच्चाई। कैसे बदल? बदल क्यों नहीं गए? 15 लाख देने वाले थे, खत्म कर दिया, उसके बाद कहते हैं गैस ये बनाओ, गैस सारा चीज, टीचर वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर वो बनना चाहते हैं। राजा वो फिल्म देखी थी, करिश्मा कपूर जाती है तो सारे लगे रहते हैं, पता चलता वो कुछ भी नहीं है, वो हिसाब मोदी जी का है, ऐसा हिसाब मोदी जी का है। तो आपकी बार महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र के लोग ही नहीं भाई साहब, पूरे देश के लोग चाहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में एक सच्ची ईमानदार सरकार बने, जो अमीरों की नहीं सिर्फ गरीबों की आवाज उठाओ, गरीबों के हक में काम करें। कहते हैं यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी हुई। भाई साहब गद्दारी पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के राजकारणों को गंदे लोगों ने, गद्दारों ने बदल के रख दिया है अपने सिर्फ फायदे के लिए। अरे भाई साहब एक बात बताइए, आप बोलते हो ईडी के डर के मारे हम भाग रहे,
मतलब आपने भ्रष्टाचार किया है ना, आप तभी तो भाग रहे ना। अरे मैं और मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, लगाओ तुम्हारे विद्या में तो ईडी हमारे पीछे, क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपने गद्दारी की है। क्यों? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। सरकार किसी और की थी, बना कोई और लिया। भाई साहब मोदी के पास दम तो है नहीं सरकार बनाने का, जनताओं से तो सरकार बना नहीं सकते। किस कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के चुने हुए जो आते विधायक, उनको डरा के धमका के सरकार बनाते, इसको सरकार बोलते हैं? भाई साहब खिचड़ी देखिए, ऊपर टंगी रहती है नीचे आग जलती रहती है। जो गद्दारी की ना, उनका भला ना जनता का भला। एकनाथ शिंदे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया। भाई साहब एक बात बता दूं, मैं मुख्यमंत्री के होम जिले से हूँ, थाने से, उनके सुपुत्र हैं श्रीकांत जी शिंदे साहब। हाँ, आज जब एक युवा उनसे बात करता है, बात करने आता नहीं है, क्योंकि क्या है, पैदा होते सोने की चम्मच उनकी भूमि थी, उनको पता नहीं संघर्ष क्या होता है। वहाँ एक आगरी समाज सबसे बड़ा है, हमारे क्षेत्र में आगरी समाज बड़ा है, उत्तर भारतीय है, मुसलमान है, सभी लोग हैं। बताइए, वहाँ खड़े होकर बोलते हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई साहब आप हिंदू राष्ट्र बनाइए ना, किसने मना किया है? अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राम नाम जपने के लिए भूमि अन्न तो चाहिए पेट में। दे तो रहे 80 करोड़ लोगों को, क्या दे रहे हैं? अरे भाई साहब भाषण में राशन दे रहे हैं, सच्चाई में कहाँ दे रहे हैं? और देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो बोले ना 20 करोड़ हो गए। सबको राशन मिले, सबका विकास। अरे भाई साहब सबका विकास सुन सुन के ना, वो ना विकास पैदा हुआ है, ना विकास की सिस्टर पैदा हुई है, सिर्फ लोगों की क्या हुआ है, पैदा हुआ है तो भ्रम पैदा हो गया है। आपकी बार क्या होने वाला है? कांग्रेस, राहुल गांधी मोदी जी का झोला तैयार है। भाई साहब उनका झोला भी तैयार नहीं रहेगा, अब तो बिना झोले के, बिना चप्पल के भागेंगे मोदी जी, और इतनी दूर भागेंगे ना कि उसके बाद उस पता नहीं चले कहां गए। भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे, देश की जनता भगाएगी, देश की जनता का गुस्सा भगाएगा। एक बात बताता हूँ भाई साहब, अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो आप रेड कारपेट बिछा के उसको लेके आते हो फूलों की माला। अरे मेरा देश का किसान जो इस धरती का सीना चीर के, इस धरती का सीना चीर के जो अन्न उगाता ना भाई साहब, वही किसान नरेंद्र मोदी की छाती पर हल चला के इस देश में सरकार बनाएगा अपना। वो खालिस्तानी बोलते हैं, वो कहते हैं वो कांग्रेस से फंडिंग लेके। कांग्रेस के एक बात बताऊं, मोदी के खिलाफ जो भी बोले वो आतंकवादी घोषित हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। भाई साहब देशद्रोही तो खुद है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। देशद्रोही का मतलब क्या है? जो देश के प्रति द्रोह पैदा करे उसको देशद्रोही कहते हैं। गुस्सा है मोदी, गुस्सा मोदी से नहीं है। इस देश में दो विचारधारा काम करती है, एक देश हित में और एक देश के विरोध में। हम उस देश हित के विचारधारा के साथ हैं जो कांग्रेस लेके चलती है, जिसमें सर्वधर्म संभाव की भावना चलती है। हमें मोदी कौन है, हु इज मोदी, मोदी कौन है? मोदी मीडिया से पैदा किया हुआ एक बच्चा है, सिर्फ एक बावली है। असल में आरएसएस सरकार चला रही है, जिनकी सबसे पहले एक ही मंशा थी, नारियों को पैर के नीचे रखी, ये आरएसएस की मंशा है। आज वो वही काम कर रहे हैं, नारियों का सम्मान नहीं हो रहा। भाई साहब बताइए, महाराष्ट्र में सरकार बनी, शिक्षा मंत्री बना दिए। एक बात पूछता हूँ आपसे, मैं महिला मंत्री किसको बनाया? अरे भाई साहब महिला आयोग में पुरुष, अरे एक मंत्री है ना स्मृति ईरानी, कितना चाहिए आपको? अरे भाई साहब उनके उम्र के हिसाब से, अब जैसी जैसी उनकी उम्र बढ़ रही है, एक जमाने में कहते हैं ना एक मोटी भैंस की तरह नीचे बैठ जाती थी सिलेंडर लेके, आज 1000 के पार चला गया। गायब भी बोलते थे कि अगर देश में कुछ गलत हुआ, जो वादे पूरे बोले हैं पूरे नहीं हुए, तो जिस चौराहे पे मन करे बुला लेना। अरे भाई साहब एक बात बताइए, मैं सच में हंसना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी बेवकूफ इंसान है? अरे तुम्हारे पास इतने SPG लगे हैं, इतनी तुम्हारी सिक्योरिटी है, यार सादा आदमी तुम्हारे बाजू में खड़ा नहीं हो सकता, जैसे हम राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, तो तुमको फांसी लगाएगा कौन? अब एक काम करो, उनसे कहो एक डेट डिक्लेयर कीजिए और एक चौराहे डिक्लेयर कीजिए, आ जाइए उस चौराहे पे, फांसी भी खुद लगा के मर जाइए, कोई जोड़ने से देश के गद्दारों के साथ।